साथ अनुराग सक्सेना और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। आधे घंटे रहिए मेरे साथ। जयपुर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। परिवहन विभाग से जुड़ी हुई दरअसल ये बड़ी खबर है। परिवहन विभाग की बैठक को लेकर हंगामा चल रहा है। परिवहन मुख्यालय में आरटीओ की बैठक चल रही है। दफ्तर के नीचे भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। परिवहन विभाग की बैठक के बीच युवाओं की मांग कि 100 युवाओं का परिवहन मुख्यालय पर प्रदर्शन, ये तस्वीरें भी कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। एमवीएसआई भर्ती 2021 के अभ्यर्थी परिवहन विभाग पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर देखिए परिवहन आयुक्त से युवाओं ने अब गुहार लगाई है कि अगर अभ्यर्थियों को मिलने का वक्त परिवहन आयुक्त ने नहीं दिया तो फिर हम आगे और भी अपने धरने को तेज करेंगे। विभाग की उदासीनता के मामले में देरी का आरोप लगाया जा रहा है। पिछले 3 साल से अदालत में भर्तियां लंबित हैं। 3 साल से ये अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं। करीब इनकी 300 संख्या है और अब देखिए परिवहन विभाग पहुंच चुके अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं दफ्तर के नीचे। इस वक्त हंगामा चल रहा है। आसिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सीधे आसिफ का रुख करते हैं। आसिफ, अभ्यर्थियों को हम देख पा रहे हैं क्या मांग, और इतना लंबे समय से अगर ये जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति है वो यहाँ पर डिले हो रही है तो उसका कारण क्या है? मनु, दरअसल ये मामला 2021 का है जिसमें मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती से जुड़ा ये मामला है। 300 युवाओं ने ये परीक्षा दी थी और उस परीक्षा के बाद में ये भर्तियां लगभग अटक गई। पिछले 3 साल से ये युवक परिवहन विभाग और दूसरे सरकारी दफ्तरों का दर दर की ठोकरें खा रहे और इन्हें जो है अब तक इस मामले में जाकर इंसाफ नहीं मिला है। नई परिवहन आयुक्त तो डॉक्टर मनीषा अरोड़ा के ज्वाइन करने के बाद में इन युवाओं ने लगातार उनसे मिलने की कोशिश की। आज भी पहुंचे तो वो आरटीओ के साथ बैठक में व्यस्त हैं, युवाओं को मिलने का समय नहीं दिया। युवाओं का ये कहना है कि जो है वो कमिश्नर से मिलने आए लेकिन कमिश्नर ने मिलने का समय नहीं दिया। अब यानी अगर परिवहन विभाग, या सीधा कहूं कि कमिश्नर अगर बात नहीं कर रहा है युवाओं से या विभाग का सहयोग नहीं मिल रहा है तो मामले को कहीं ना कहीं अटकाया जा रहा है। हो सकता है युवा आने वाले समय के अंदर जो है ये युवा परिवहन मंत्री से भी मिले और परिवहन मंत्री के सामने अपनी बातों को रखे, लेकिन फिलहाल ये परिवहन विभाग की तस्वीरें इस समय जो दर्शक देख रहे हैं ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन परिवहन आयुक्त ने इनसे लगातार दूरी बना रखी है। इसके बाद में आगे का क्या स्टेप लेते हैं या अपनी भर्तियों को लेकर क्या फिर से जो है ये परिवहन मंत्री से मिलने जाते हैं, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आरटीओ की बैठक भी चल रही है दफ्तर के अंदर और नीचे ये हंगामे की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आसिफ, आप बता रहे कि परिवहन आयुक्त ने इन अभ्यर्थियों को मिलने का वक्त ही नहीं दिया, क्या परिवहन आयुक्त भी इस बैठक में मौजूद है? और ये जो वक्त नहीं मिलने की बात सामने आ रही है इसके पीछे कोई कारण अब तक सामने आए? मनु, इस समय आरटीओ की बैठक चल रही है। प्रदेश भर के आरटीओ इस समय परिवहन विभाग में मौजूद हैं और खुद डॉक्टर मनीषा अरोड़ा जो कि परिवहन कमिश्नर है वो इसकी बैठक ले रही है और वो जानती हैं। उनके स्टाफ ने उन्हें सूचित किया है कि 2021 से जुड़े हुए जो मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती से जुड़े युवा नीचे मौजूद हैं और नीचे वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बावजूद इसके वो बैठक लगभग अब समय पूरा होने को है बैठक का, इसको जो है इन युवाओं को मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। इस बैठक के मैं मनु बता दूं आपको, इस बैठक के शुरू होने से पहले युवा यहाँ सुबह से मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके वो बैठक से पहले चाहती तो इनसे मिल सकती थी, मामले को आगे डिपार्टमेंट को या हाई अथॉरिटी को भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने इनसे मिलने से ज्यादा अच्छा देखिए आसिफ को चुना। बहुत कम संख्या नहीं है, 300 अभ्यर्थी हैं जो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं अपनी वाजिब मांग को लेकर यहाँ पर अब धरने पर बैठे हुए। आगे क्या स्टेप लेंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है क्योंकि 9 पूर्व भारतीय नैसिक जो नौसेना कर्मी हैं सोमवार को कतर ने उन्हें रिहा कर दिया और कथित तौर पर जासूसी के आरोप में इन सभी को मौत की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद दोहा ने भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम करके जेल कैद में बदल दिया गया था। कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में 7 भारतीय वतन वापस भी लौट आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर सरकार को सराहा। 26 अक्टूबर 2023 को आपको बता दें कि कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोप में सभी भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी।
दुबई में कतर के शासक अमीर शेख तमीम से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री के पर्सनल इंटरव्यू के बाद ये बड़ी कूटनीतिक जीत कि सभी भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। Waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Without the intervention of Prime Minister Modi, it won't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर intervention नहीं होता at that level, highest level. Definitely, Honorable Prime Minister श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके personal intervention से ये possible हुआ और Government of Qatar के His Excellency the Amir को कि उन्होंने ये होने दिया। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम safe and sound. और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिस एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। जो वतन वापसी करके खुश हैं, ना सिर्फ खुश हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। तो कतर से पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी का आभार जताया है। मदन दिलावर, राजेंद्र राठौर सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के ऊपर पूरे विश्व की निगाह है, पूरा विश्व उनका सम्मान करता है और उनकी बात को गंभीरता से लेता है। और जितनी माननीय मोदी जी की प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने अधिकांश देशों को अपने विश्वास में लिया है और इसी का परिणाम है कि कतर में जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी उनको अधिकांश को वहां की अदालत ने या राष्ट्राध्यक्ष ने दोष मुक्त कर दिया है और वो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसलिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बार फिर ये देश में सिद्ध हुआ है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई भारतीय संकट में है तो भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसके साथ खड़ी है। कतर में जिन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था और जो बड़े कानूनी पचड़े में फंस गए थे, भारत सरकार के दबाव के कारण, नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के कारण से उन सबको रिहा करने का आदेश, ये मजबूत भारत की एक पहचान है। मोदी है सब कुछ मुमकिन है। अब कोई भारतीय दुनिया के किसी कोने में असुरक्षित नहीं, इस बात ने फिर एक बार इस बात को सिद्ध किया है। एक बार ये फिर सिद्ध हो गया कि दुनिया का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के हाथ में है। कतर के अंदर वो सैनिक जिनको वहां के प्रशासन ने मौत की सजा सुनाई थी, मौत के मुंह से मोदी जी की अपील पर लौट कर आए, आज स्वदेश धरती पर आ गए। मैं समझता हूं कि ये चमक और धमक दुनिया की राजनीति में हमारे हिंदुस्तान की है। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय मोदी जी, आपके इस प्रयास से आज पूरा भारत हर्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और देखिए जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी को लेकर झुंझुनू में पूर्व जो सैनिक हैं उनमें जश्न का माहौल है। पूर्व सैनिकों ने इस सरकार की कूटनीति की से जीत बताया है। सैनिक बाहुल जिले के काली पहाड़ी गांव में पूर्व सैनिकों से बातचीत की झुंझुनू के संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने। अब जो भारत सरकार की कूटनीतिक जीत हुई है और जो कतर से जो नौसेना के जो 8 सैनिक हैं वो रिहा होकर भारत लौटे हैं, तो पूर्व सैनिकों से जानते हैं कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और किस तरह इस जो सैनिक वापस लौटे हैं इसके पीछे सरकार की कूटनीतिक जीत को किस तरह मानते हैं। सर पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा परिचय, मैं सुरेंद्र सिंह, सीआरपीएफ से रिटायरमेंट। और जो ये मोदी ने जो प्रयास किया है, जो वो देश का कानून है, वो कानून कानूनी है, कानून के तहत काम करते हुए उनका भी काम ठीक था। और जो मोदी जी का प्रयास था उसमें मोदी जी सफल रहे और देश के जो रक्षक हैं उनको एक मनोबल मिला है कि देश के प्रधानमंत्री ने उनके लिए प्रयास किया कि मेरे देश के जवान हैं, दूसरे देश में कानून के तहत फंसे हुए हैं, या गलत है सही हो तो वो कतर सरकार को पता है या अपनी सरकार को पता है। वो तो रक्षा करने के लिए तटरक्षक थे, वो गलती से अपनी सीमा लांघ गए, इसलिए उनको वहाँ कैद कर लिया गया है। उनका भी सही था क्योंकि वो दूसरे देश के, कोई तीसरे देश के, कोई भी सामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते वहाँ। आज उनकी रिहाई हुई है, आज उनकी रिहाई हुई है, तो इसके लिए हमारे दिल में बहुत खुशी की जीत है, एक जीत है हमारे लिए। तो ये थे कालीपहाड़ी गांव के पूर्व सैनिक, जिनमें सैनिकों की रिहाई के बाद खुशी का माहौल है और वो मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। करसन सिंह से कहा, न्यूज 18 राजस्थान झुंझुनू। और देखिए झुंझुनू के बाद आपको डिडवाना लिए चलते हैं, वहां पर लोग किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए आज जो ये फैसला हुआ है और ये जो हमारे पूर्व सैनिक नेवी के जो कतर से वापस लौटे हैं, ये समझता हूँ पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है, क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार जो बाहर विदेशों में रहते हैं, आज उन्हें एहसास हुआ है कि हमारे देश की मजबूत सरकार की वजह से वो दूसरे देशों में भी सुरक्षित हैं। उनको जो मृत्युदंड को उम्र कैद से आज वो रिहा होकर हमारे देश वापस लौटे हैं, पूरे देश में खुशी है और उत्साह का माहौल है। भेजा रहता है सूदिया पिछले 4-5 साल से, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जो आज फैसला किया है बहुत ही सराहनीय है और हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे खाड़ी देशों से, दूसरे देशों से ऐसे ही संपर्क रखें और आगामी आने वाले समय में ऐसे फैसले रहते रहें ताकि हमारे देश का हर जगह नाम हो। धन्यवाद। मैं बिल्कुल इसके बारे में कहना चाहूँगा, हमारे भारतीय सेना के 9 आदमी जो कतर में थे, जो पहले वहाँ पर गए हुए थे नौकरी के लिए, और उनको वहाँ की सरकार ने हिरासत में ले लिया और उनको सजा दे दी थी, लेकिन उनको वापस इंडिया भेज रहे हैं, उनको बरी कर दिया है। इस बात की मैं बहुत खुशी है क्योंकि भारतीय सेना का आदमी को जिस तरह में उन्होंने सजा सुनाई थी उससे हम बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे कि हमारे सेना के आदमियों को वहाँ विदेश में जाके और उनको इस तरह से सजा दी जा रही है, लेकिन आज उनको फ्री हो गए, हम बहुत खुश हैं। इससे एक बहुत नया संदेश मिलेगा हमारी भारतीय सेना को कि हमारी भारतीय सेना के जो अधिकारी थे वो बाहर गए थे और उनको आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन। तो भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत, जिस पर देश भी देखिए गर्व कर रहा है और झूम रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए 52वां से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर 120 घंटे के बाद आखिरकार बोरवेल से महिला का शव बाहर निकाला गया है। 52वां में बोरवेल से अब महिला निकाली गई है। 6 दिन बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को सफलता हाथ मिली। 90 फीट गहराई में महिला का सब फंस गया था, इसे अब निकाला गया है। और ये आप देखिए 6 घंटे से लगातार 6 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, करीब 120
20 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार महिला का शव निकाला गया। हालांकि कोशिश यही थी कि महिला को जिंदा निकाला जाए, लेकिन 3 दिन बाद ही महिला ने दम तोड़ दिया था। 52 में आखिरकार अब महिला का शव निकाला गया है। 6 दिन से लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई थी, कई चुनौतियां उनके सामने थी, जो कि गीली मिट्टी बहुत ज्यादा परेशान करी थी। अलग अलग टेक्निक के जरिए खुदाई की कोशिश की गई, लेकिन एक भी टेक्निक में सफलता हाथ नहीं लगी। और अब खबर मिल रही है कि आखिरकार 120 घंटे की मशक्कत के बाद, यानी कि 6 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला का शव निकाला गया है। गिरिराज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं, जो पिछले 6 दिन से लगातार हमें हर एक छोटी से बड़ी अपडेट दे रहे थे। गिरिराज, हालांकि सफलता तो लगी, लेकिन महिला का शव जो निकाला गया, अब किस टेक्निक के जरिए ये कोशिश कामयाब हुई, जरा इस बारे में भी बताइए। और इस वक्त वहां पर माहौल क्या है, चूंकि कोशिश तो यही थी कि महिला को जिंदा निकाला जाए, लेकिन शव महिला का निकाला गया है। गिरिराज जी, देखिए 6 दिन से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के संयुक्त प्रयास लगातार इसमें कोशिश कर रहे थे, और इस मामले में बीच बीच में जबरदस्त तरीके से जो अड़चने हैं वो जबरदस्त आई गई, लेकिन उसके बाद अब कहीं जाकर के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सफलता मिली है। राजस्थान का अब तक का सबसे लंबा चलने वाला यह रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है, जो कि इतने दिनों तक रेस्क्यू करने के उपरांत राजस्थान में भी जो एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के जो जवान यहां पर मौजूद हैं, उनका भी कहना यह है कि राजस्थान में इतना लंबा और इतना समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में 6 दिन और 6 रात यहां पर लगे हैं, और उसके बाद कहीं जाकर के अब कहीं जाकर के ये महिला का शव निकला है। ये जो बोरवेल था, इस बोरवेल में 90 फीट जाकर के ये जो शव है महिला का था वो फंस गया था। कठिन मशक्कत इसमें करनी पड़ी, क्योंकि ये जो मिट्टी थी या नमी वाली मिट्टी थी, बालू रेत थी, इसमें जो पास ही के बराबर में जाकर के 4 फीट एक अलग से बोरवेल जो था वो खोदा गया। पाइलिंग मशीन यहाँ पर मंगवाई गई थी, जो कि बड़े जो पानी के जो समुद्र हैं, नदियां हैं, जो तालाब हैं, बड़े जो बांध हैं, उनमें जो खुदाई करती है, वो एक बड़ी मशीन यहाँ पर मंगवाई गई थी। 90 फीट बराबर से एक अलग से पैरेलल एक बड़ा 4 फीट बड़ा गहरा खड्डा इसमें किया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार इसके अंदर उतर करके और बार बार इसमें खुदाई करते थे, क्योंकि नीचे खोदने के बाद में कंक्रीली और काफी जो मिट्टी थी, जो सतह थी, वो काफी कठोर थी, जगह कम थी, और उसी के बीच में एक बड़ी परेशानी यह भी हुई कि उसमें फिर से पानी की निकासी होने लगी कहीं से। तो ऐसे में जो जवान थे वो आधा घंटे से ज्यादा उसमें खुदाई नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में बड़ी मशक्कत करके और 4 फीट अंदर ही अंदर एक सुरंग बनाई गई, और सुरंग के रास्ते से महिला का शव निकाला गया। मोनिका बैरवा थी, जो कि 6 तारीख की रात्रि को 8 बजे इस बोरवेल में गिरी थी, और आज 12 तारीख को आज जाकर के मोनिका बैरवा का जो शव है वो निकाला जा सका। 25 वर्षीय मोनिका बैरवा थी, जिसकी इस बोरवेल में गिरने से मौत हुई है। पुलिस ने अब गिरिराज, देखिए वहां पर प्रशासनिक अमला भी जुटा रहा, जो लोकल प्रशासन कह सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची, और अलग अलग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया गया था, अलग अलग जो बेहतर मशीन है उनको भी जयपुर से मंगाया गया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। जाहिर तौर पर आप बता रहे कि सबसे बड़ा ये ऑपरेशन कहा जा सकता है अब तक का राजस्थान का, क्या यहाँ पर अब एक्सपीरियंस एनडीआरएफ की टीम शेयर कर रही है, और उनका क्या कहना है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, कितनी चुनौती उनके सामने? देखिए, महिला का शव निकाले जाने के बाद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो कमांडेंट अधिकारी हैं, उन्होंने सबको एक साथ बिठाया है और उनको सबको भी कहा है कि एक जो बहुत बड़ा जो एक्सपीरियंस है वो उन्हें यहाँ पर मिला है, क्योंकि 6 दिन और 6 रात तक का जो एक्सपीरियंस यहाँ पर उन्हें हुआ है वो आज तक के राजस्थान के इतिहास में कभी अन्य जगहों पर देखने को नहीं मिला। क्योंकि एक ये बड़ा टिपिकल एक जो ऑपरेशन था वो ये था, क्योंकि ऐसी मिट्टी के बीच में खुदाई करना, उसके बाद में फिर बीच में पानी आ जाना, मिट्टी का लगातार गीली मिट्टी काफी सुरंग बनाना पर बनी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब 120 घंटे के बाद आखिरकार बोरवेल से महिला को निकाला गया है। शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर रुक करते कतर से जुड़ी हुई बड़ी खबर का। दरअसल कतर से नौसेना के पूर्व अधिकारियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने भी खुशी जाहिर की है। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा है कि रिहा होने वाले नौसेना के पूर्व अधिकारियों के परिजनों को बड़ी राहत मिली है। रिहाई पर परिजनों की खुशी से सभी देशवासियों में उत्साह है। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने शुभकामनाएं दी है।
हमारे देश के पूर्व नौ सैनिक अफसर रिहा होकर के भारत आए। हम सभी देशवासियों के साथ इस खुशी में सम्मिलित हैं और उन्हें तथा उनके परिजनों को बधाई देते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री और दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने दावेदारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को अच्छी टक्कर देंगे और सीटें भी जीतेंगे। इलेक्शन का माहौल है, कभी कोई ड्रेस कोड के नाम पे, कभी उसके नाम पे, ये तो हिजाब हिजाब वाली बात आती कहां से। हम ये उसमें पता नहीं कहां से नए नए फंड उठा के ले आते हैं। मैं समझता हूं कि जो सारा सिस्टम चल रहा है इतने देर से बढ़िया चल रहा है। ड्रेस कोड तो ही पहले से ऑलरेडी चल रहा है ड्रेस कोड। मैं इसमें हिजाब का भाई, हिजाब बीच में आई खांसी, इमोशनल बात खांसी लेकर आते हैं भाई। हिजाब का कोई नई नई बात लेकर आ जाते हैं बीच में। इसमें तो क्या कि स्वतंत्र लोग बाग बीजेपी पर हर चीज़ पर राजनीति करते हैं, धर्म पर राजनीति, जाति पर राजनीति, औरों पर राजनीति। उनको तो इमोशनल करना है जनता को। अपन को इतने बड़े नेता तो है नहीं, और जो हमारी हाईकमान तय करेगा उसको हम वोट देंगे, उसको हम जिताएंगे। बीजेपी वाले धांसे पट्टे देते हैं, बराबरी टक्कर देंगे, हम सीट जीते। ऐसे हमारे विकास की बात करेंगे हम, तो जो हमारी सरकार की योजनाएं थी, अच्छी योजनाएं थी, हमने काम किए थे और हमारा क्या विचार उस पर काम करेंगे। ये तो केवल भावना भड़का के वोट लेना। और इस बीच करौली से बड़ी खबर।